بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين کرام قدر ناظرین حسب عادت आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाकया लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं नीज़ हम ये भी देखेंगे कि इस वाकये से हमें और आपको अपनी जिंदगी बनाने अपनी तरबियत करने और अपने इल्म में इजाफा करने के क्या फ़वाद और क्या इल्मी नुकात हासिल होते हैं ये वाकया सही मुस्लिम में मजकूर है और एक सहाबी हजरत मुआविया इबन हकम्स रजी अल्लाह तहो से मुतालिक है बल्कि इस वाक़े के रावी खुद मुआविया इबन हकम्समी रजियला बयान करते हैं कि मैं एक बार अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था इतने में लोगों में से एक शख्स को छींक आ गई जैसा कि इंसान की फितरत में है तो उस पर हमने कहा यहीं से मालूम होता है कि उस शख्स ने अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता से जरूर कहा होगा इसलिए कि हमो जो कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में कहा जाता है तो हमने कहा यमो मेरा यह कहना था लोग मुझे घ्यूर करके देखने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो हमने लोगों से कहा कि यह क्या मामला है ऐसा लगता है कि मेरी मां मुझ पर रोए हमने कौन सा बड़ा काम किया गलत काम किया कि तुम मेरी तरफ इस कदर घ्यूर करके देख रहे हो अब मेरा यह कहना था कि लोग अपनी रान पर अपने हाथ मारने लगे यानी गोया मुझे खामोश करने लगे जब मैं देखा कि मुझे खामोश कर रहे हैं खामोश हो गया नबी करीम सलाह जब नमाज से फारिग हुए तो रजी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की कसम ना आप वसल्लम से पहले और ना आप वसल्लम के बाद हमने आपसे बेहतर तालीम देने वाला आपसे बेहतर उस्ताद हमने किसी को नहीं पाया नबी करीम सटा नहीं आपने मुझे झिड़का नहीं आपने मुझे मारा नहीं बल्कि सिर्फ इतना कहा कि मुआविया ये नमाज का मामला है नमाज में आम लोगों की जो गुफ्तु होती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है नमाज तो तस्बीह का नाम है अल्लाह ताला के जिक्र का नाम है फते मुआविया उन्होंने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लाम उनकी तरफ इस कदर मुतवज हैं तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल करना शुरू किया चुनाचे वो अर्ज करते हैं कि हमने कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम अभी मेरी जाहिलियत का जमाना अभी जल्दी ही गुजरा है मैं अभी नया नया मुसलमान हुआ हूं गोया ये वादे करना चाहते थे कि नमाज में हमसे जो ये गुफ्तगू हुई है ये हमारी नादानी की वजह से है मैंने जान बूझ करके कुछ नहीं किया लेकिन हमारे यहां का कुछ मामला है मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं पहली बात यह है कि हम में से बाद लोग काहिनों और पंडितों के पास जाया करते हैं यानी वो लोग जो लोगों की किस्मत और मुस्तकबल की बात बताते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उनके पास मत जा ऐसे लोगों के पास तुम्हें नहीं जाना चाहिए मुआविया हकम कहते हैं मैंने फिर अर्ज किया कि हम में से बाद लोग ऐसे हैं जो बुरा शगून लेते हैं बुरा शगुन का माना क्या होता है यानी किसी चीज को मनहूस समझते हैं और उस वक्त अगर कोई काम करना चाहते हैं तो नहीं करते यह कि बहुत से लोग हैं ये मुहर्रम का ज़माना है इसे मनहूस समझते इसमें शादी नहीं करते हैं सफर का जमाना है उसमें सफ़र नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीजों को मनहूस समझे हैं और उससे बदफाली जिसे कहा जाता है बुरा शगोन लेते हैं तो आप वसल्लम से हरत माविया इबन हकमसमी रज़ी अल्लाह तु ने सवाल किया कि हम में से कुछ लोग हैं जो बुरा शगोन लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ उनके दिलों की बात है इसकी कोई हकीकत नहीं है लिहाजा अगर तुम कोई काम करना चाहते थे तो वो काम कर जाओ ऐसी अगर कोई चीज नजर आए जिससे बुरा शगुन लिया जाता है और उसकी वजह से काम करना छोड़ दिया जाता है तुम्हें ऐसा नहीं करना है फिर हज़रत माविया रजियाल्ला तीसरा सवाल किया कि हम में से कुछ लोग हैं जो ज़मीन पर लकीरें बनाते हैं जिस तरीके से बहुत से लोग एक अंदाजे से एक लकीर खींचते हैं फिर उसको मिटाते हैं अगर दो लकीर रह गई तो अच्छा शगुल लेते हैं एक लकीर रह गई तो बुरा शगून लेते हैं तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मामला एक नबी का रहा है और जाहिर बात नबी के साथ अल्लाह ताला की ताईद रही है तो जो नबी के खत खींचने से मुनासिबत रखे मुशाबहत रखे वो तो हक है और जो उसके खिलाफ हो वो बातिल है ने इसी हदीस के ज़िमिन में यहाँ तक पहुँचने के बाद अपना एक और वाक्य जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल वसलम मेरी एक लौडी थी लौडी उन औरतों को कहा करते हैं जो खरीदी और बेची जाती थी और जो खरीद ले उसके साथ वो ताल्लुक कायम कर सकता था जो मियाँ और बीवी का ताल्लुक है ऐसा औरतों से खिदमत लेने के लिए लोग करते थे अगर औरत है तो उसे लौडी कहा जाता था और अगर मर्द है तो उसे गुलाम और अब्द कहा जाता था तो कहा आए अल्लाह के रसूल सला मेरी एक लौडी थी जो उहद और जवानिया के इलाके में मेरी बकरियां चराया करती थी एक बार जब मैं अपनी बकरियों का मुआयना करने के लिए वहां पास पहुंचा तो मैं देखता हूं कि एक बकरी नहीं है एक बकरी गायब है हमने उसके बारे में अपनी लौंडी से सवाल किया तो लौंडी ने कहा कि उसे भेड़िया खा गया मैं क्या करूं उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से मैं भी इंसान हूं जैसे इंसानों को गुस्सा आता है मुझे भी गुस्सा आया और गुस्से में आकर के हमने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया ये सहाबा की खूबी देखिए कि सिर्फ एक थप्पड़ रसीद करने पर भी इस कदर अल्लाह तबारक डरते हैं कि सवाल कर रहे हैं और यहाँ हम बच्चों को उस्ताद अपने शागिर्दों को जब पीटना शुरू करते हैं तो या तो डंडा टूटे या तो फिर वो थक जाए उसके अलावा वो छोड़ते नहीं हैं वो लोग अल्लाह तबारक वाल जवाब देंगे तो उसने कहा अल्लाह के रसूल हकम ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया जैसा कि आम इंसान को गुस्सा आता है लिहाजा हमने उसे एक तमाचा रसीद कर दिया लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा यह अमल मेरा यह फेल कोई अच्छा काम नहीं है वो एक कमजोर सी मासूम सी बच्ची है लौड़ी है लड़की है अगर भेड़िया अगर हमला करता तो भेड़िए से अपने बकरी कैसे बचा सकती है लिहाजा मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया क्या मैं उसे आजाद कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम उसे मेरे पास ले आओ जब वो लौड़ी आपके पास लाई गई तो आपने पूछा अल्लाह कहा है पहला सवाल यह था कि अल्लाह कहां है उसने आसमान की तरफ इशारा किया कि आसमान में अल्लाह ताला है फिर आप सरम दूसरा सवाल किया कि मैं कौन हूं तो उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह ताला ने आपको नबी बना करके भेजा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की मोमिन बंदी है उसे तुम आजाद कर दो ये एक किस्सा है जो अहद नबी में पेश आया जिसे खुद हजरत रबी बयान करते हैं कि यह मेरे साथ पेश आया अब हम ये देखते हैं कि इस वाक़े से हमें और आपको इलमी और तरबियती क्या फायदा हासिल होता है क्या सबक मिलता है हमें उस पर तोज्जह देने की जरूरत है इससे सबसे पहला फायदा जो अहम फायदा हमारे और आपके इल्म के लिए है जरूरी है वो यह है नमाज की हालत में दुनियावी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है लिहाजा अगर कोई शख्स जान बूझ कर बगैर किसी उज्र के दुनिया की कोई बात करता है तो उसकी नमाज बातिल है उसकी नमाज नहीं होगी बल्कि वक्त जरूरत नमाज की हालत में वक्त जरूरत इंसान इधर उधर देख तो सकता है और कभी जरूरत हो तो मामूली हरकत भी कर सकता है जैसा कि साहब कराम ने मुआविया रिजूर अजमीन नेबन हकमसलमी रज को खामोश करने के लिए उनकी तरफ घूर करके देखा ये नमाज के अदब के मुनाफी नहीं है अगर वहां पर जरूरत और हाजत है और साबकर ने हरकत भी की उनको खामोश करने के लिए अपने हाथों से रान पर मारा इससे मालूम होता है कि नमाज की हालत में अगर इंसान को जरूरत है तो वक्त जरूरत वो इधर उधर देख सकता है उसकी मैं एक मिसाल दू जो कि आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है एक शख्स स्टेशन के ऊपर खड़ा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है और ट्रेन मगरिब की तरफ से आ रही है या शिमाल से जुनूब से आ रही है ऐसे वक्त में वो नमाज पढ़ रहा है तो उसे ये इजाजत है कि वो अपनी नजर को उठा करके या दाएं और बाएं करके वो मुशाह कर ले कि ट्रेन करीब तो नहीं आ रही है इसलिए कि अगर देखेगा नहीं उसके नमाज का खुशबू और खुद बाकी नहीं रहेगा कब आके ट्रेन तबक पड़ती है लिहाजा अगर वो अपने इतमान के लिए दाए और बाएं देखता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है तीसरा फायदा किसी उजर की बुनियाद पर और नादानी में मिसाल के तौर पर कोई शख्स नमाज में बात कर लेता है तो उससे उसकी नमाज बातिल नहीं होती जैसे, जैसे मुआविया इबिन हकम असलमी रजी अल्लाह है इन्होंने लोगों से कहा क्या है तुम्हें क्या हुआ है तुम तो हमें इस तरह घूर कर देख क्यों रहे हो तो चूंकि वो नादान थे जैसा कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अभी नए नए मुसलमान हुए हैं हमें अभी नमाज के आदाब का पता नहीं है तो चूंकि ये उज्र था वो नादान थे लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी नमाज के दोहराने का हुक्म नहीं दिया तो मालूम यह हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है कोई दरवाजा खटखटाता है वो शख्स घबराया और उसकी जुबान से निकल गया अंदर आइए हालांकि वो सोचा नहीं कि मैं नमाज में हूं तो इससे उसकी नमाज बातिल नहीं होगी कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ वो नमाज पढ़ रहा था और कोई शख्स कहता है वालेकुम रहमतुल्लाह और उसकी जुबान से बगैर सोचे निकल जाए वालेकुम असलम रहमतुल्लाह तो इससे नमाज बातिल नहीं होती तो अगर कोई शख्स की बुनियाद पर और नादानी से नमाज के अंदर गुफ्तगु करे तो इसकी वजह से उसकी नमाज के बातिल होने का हुक्म उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। इस हदीस से इसके ऊपर दलील मिलती है इसी तरीके से बदफाली लेना और बुरा शगुन लेना यह इस्लाम में हराम है अल्लाह तबारक वाला ने किसी चीज को मनहूस नहीं पैदा किया है नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में उल्लू को देख करके हम उसे बुरा समझते हैं तो यह हमारा उल्लूपन है ना कि वह उल्लू है अल्लाह ने उसका नाम उल्लू नहीं रखा हमने उसका नाम उल्लू रखा है तो इस्लाम के अंदर बदशोगी लेना बदफाली लेना खा कोई बात सुन करके हो खा किसी हरकत अमल के जरिए हो मिसाल के तौर पर एक शख्स सुबह को जाकर के दुकान खोलता है और पहला आदमी वो आ जाए कि वो उससे कर्ज मांग रहा है तो कहता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा वरना पूरे दिन हमें उधारी देना पड़ेगा तो ये बदशगुनी है ये नहीं करना चाहिए बल्कि उसे तो ये समझना चाहिए कि कर्ज ले रहा है मैं उसकी मदद कर रहा हूं गोया हमें सदके का सवाब मिलेगा इससे तो हमारी दुकान में बरकत आएगी ना कि नहूसत आएगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी लेने को नाजायज करार दिया है और सल्लम ने इरशाद फरमाया ला अदुवा वला तियरता व युजिबनी अल फालु ना ही कोई बीमारी अपने तौर पर अपने आप किसी दूसरे को लगती है अगर लगती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से वला तियरता और बदफाली लेना भी कोई चीज नहीं है इसी तरीके से पांचवा फायदा काहिनों के पास जाने की काहिन किसे कहते हैं? जो शख्स गैब की बातें बताता है जो गैब की बातें बताता है उसे काहिन कहते हैं काहिनों के पास जाना और काहिनों से मुस्तकबल के बारे में अपनी गुमशुदा चीज के बारे में अपने गुमशुदा आदमी के बारे में सवाल करना ये चीज नाजायद और हराम है बल्कि नाजायद और हराम इस हद तक है कि अल्लाह के रसूल इसे कुफर करार दिया है चुनांचे मुस्नद अहमद और मुस्तरक हाकिम में हजरत अबू हर रजील्ला की हदीत है कि नबी करीम सलम ने इर्शाद फरमाया मन अता काहिनन जो किसी काहिन के पास जाता है और अर्राफन या मुस्तकबल की किसी खबर देने वाले अर्राब के पास जाता है और जो कुछ वो कहे उसकी बात को मान भी लेता और सच समझता है तो फकत कफर अभी मा उन जिले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा शरीयत के साथ कुफर कर रहा है तो काहिन के पास जाना जैसे किसी की कोई चीज गायब हो जाती है कोई चीज गुम हो जाती है तो लोगों के पास जाते हैं कि बताइए इसे किसने लिया है ऐसे सारे लोग काहिन हैं उनके पास जाना अपने दिन के लिए खतरा है इसी तरीके से हाथ की लकीरें देखना जमीन पर लकीर खींच करके लोगों की किस्मत का फैसला करना यह चीज भी शरीयत की नजर में जायज नहीं है लकीरों से अल्लाह ताला ने किसी की किस्मत नहीं बनाई है वो किस्मत अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए लिखाई है जो अल्लाह तबारक तआला के पास मौजूद है सातवां फायदा नमाज में अगर छींक आए नमाज में अगर छींक आए तो आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है क्यों इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनियावी बातचीत नहीं है अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे ये एक दुआ ये लोगों की आम गुफ्तगु हो सकती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनियावी बात में दाखिल नहीं है लिहाजा नमाज में अगर किसी को छींक आए तो उसे आहिस्ता से लोगों में खलफशार मचाए लोगों में शोर किए बगैर आहिस्ता से उसे अल्हम्दुलिल्लाह कह लेना चाहिए क्यों इसलिए कि जिस सहाबी को छींक आई थी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था इसीलिए हजरत मुआविया ने उनका जवाब देते हुए यर हमो कहा था क्यों इसलिए कि यर हमो कहना वहीं पर मशरू है ठीक जिसको आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे इसी तरीके से इस हदीस के अंदर एक बड़ा फायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न खुलुक देखिए कहते मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका हुस्न खुलुक देख करके ये कह उठे कि अल्लाह की कसम मैंने आपसे पहले और आप के बाद आपसे बेहतर किसी मुअल्लिम को नहीं देखा, न हमको डांटा न झिड़का न मारा और न गाली दी इस किस्से के अंदर उन दुआत और मुबल्लिगीन के लिए भी एक बहुत बड़ा दर्श है बहुत बड़ा सबक है कि वो अपने शागिर्दों के साथ किस तरीके से हुन खलूक के साथ पेश आए अच्छे उसलूब के साथ पेश आए और नरमी का बरता और नरमी का मामला करें इस किस्से में एक बहुत बड़ा सबक हमें और आधे आपके लिए जो है वो ये है कि अपने मातहत लोग जो हमारे मातहत काम कर रहे हैं खसूस गुलाम और लौड़ियों के साथ हमें जो बर्ताव करना चाहिए वो अच्छा बर्ताव करना चाहिए और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर गुल्म सख्ती के साथ मना है उनके साथ गुलम करना हमारी और आपके आकबत के लिए ख़तरा बन सकता है मुझे नबी करीम वसल्लम की एक हदीस याद आई जिसे उम्र मोमिन हत आयशाद्योत नकल करती हैं कि आप अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है आपके सामने बैठ गया और कहता है कि अल्लाह के रसूल सलाम मेरे दो गुलाम हैं जो मेरे साथ खयानत करते हैं जो मेरे साथ झूठ बोलते हैं जो मुझे धोखा देते हैं तो मैं उनको मारता हूं मैं उनको गालियां देता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन तुम और वह अल्लाह तबारक तआला के सामने हाजिर होंगे उनका झूठ बोलना उनका खयानत करना उनका धोखा देना तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा तुम्हारा उनको मारना उनको डांटना तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा अगर तुम्हारा मारना और डांटना भारी पड़ा तो तुमसे उनका बदला लिया जाएगा और अगर उनका खयानत करना तुम्हारे साथ झूठ बोलना उनकी जो गलतियां हैं वो भारी पड़ी तो तुम्हें उसका हक देना पड़ेगा यह सुन करके वो शख्स बड़ा परेशान हुआ आप सल्ला ने फरमाया क्या तुमने अल्लाह ताला का यह फरमान नहीं सुना है कि वनदाजी फलाम्यालामुन यो मिल्कियामह क्यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे और किसी के ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और आखिर में फरमाया वह इनका नामिस हबिन अतई ना बिहा अगर किसी के नाम आमाल में राई के दाने के बराबर नेकी है अगर किसी के नाम आमाल में राई के दाने के बराबर बुराई है हम उसको भिलाकर करके हाजिर करेंगे वो शख्स बड़ा परेशान हुआ और कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम) इनके शर से बचने और अल्लाह ताला की पकड़ से बचने का वाहि रास्ता है कि मैं उनको आजाद कर दूं। आप गवाह रहिए वो सब के सब अल्लाह तबारा व तआला के लिए आजाद हैं। इस किस्से से हमें और आपको यह फायदा और भी मिलता है कि मोमिन की बड़ी अहमियत और आजमत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी को क्यों आजाद किया बुलाया और कहा अल्लाह कहाँ है उसने कहा अल्लाह आसमान में है और कहा मैं कौन हूं यानी आप अल्लाह के रसूल हैं तो आप ने फरमाया कि ये मोमिन है उसे आजाद कर दो इसी तरीके से हमें एक फायदा ये भी मिलता है कि मोमिन होने के लिए तौहीद और रिसालत दोनों का اقرار जरूरी है अगर कोई शख्स तौहीद का اقرار करता है अल्लाह की वहदानियत और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल रसालत को भी मानता है तब तो वो मोमिन है अगर ऐसा नहीं तो वो मोमिन तस्वर नहीं होगा इस वाकई से एक बहुत बड़ा फायदा जो हमें और आपको मिल रहा है वो ये है कि अल्लाह तबारक तरफ, आसमान में और बेदफफ्त अल्लाह तबारक तआला अर्श के ऊपर मुस्तवी है आज हमारे यहां जो ये मशहूर है कि अल्लाह ताला हर जगह है ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है अल्लाह ताला हर जगह नहीं है अल्लाह तबारक व ताल इसवा के लिहाज से वजूद के लिहाज से अल्लाह तबारक व ताल हरश के ऊपर है अल्लाह तबारक वाल अपने इल्म के लिहाज से अपने देखने के लिहाज से अपने सुनने के लिहाज से हर जगह मौजूद है और कुरान मजीद में इसके ऊपर एक दो नहीं मुत दलाइल मौजूद हैं अल्लाह ताला फरमाता है आमिन तुम मनफिस क्या तुम उस जात से जो आसमान में है जैसा कि इस और लड़की ने क्या कहा अल्लाह कहाँ है आसमान में है तो अल्लाह फरमाता अमीन तुम मनफिस समा क्या वो जात जो आसमान में है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है इस्तवा अल्लाह तबारक है, जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है तो सहाबे कराम का जो अकीदा रहा है आईम अरबा और आईम कराम का जो अकीदा रहा है वो ये है कि अल्लाह तबारक ऊपर, यानी अर्श के ऊपर है अल्लाह ताला अपने इल्म से अपनी कुदरत से अपने समा से अपने बसर से हर जगह की खबर रखता है अल्लाह तबारक व ताली से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए अल्लाह तबारक व ताल हकीकी माने में हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजे अल्लाह ताला हमें तौहीद की दौलत से नवाजे अल्लाह ताली हमारे अंदर से हर किस्म की बुराई दूर करे आज की मजलिस इसी पर खत्म करते हैं अगली मजलिस किसी नए किस्से को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत है व रहमतुल्लाहि व वकू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें